जो भी चीज आप बार बार करते हो वो हैबिट बन जाती है। इसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला, यहां पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। जो भी हम चीज करते हैं बार 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 बार, उसकी हैबिट हो जाती है। यदि हम एक्सरसाइज बार 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 करते हैं और रोज करते हैं तो उसकी एक आदत सी हो जाती है, उसकी एक हैबिट हो जाती है और फिर उसके सिवा रहा नहीं जाता। यदि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो एक्सरसाइज नहीं करने की आदत हो जाती है और आदमी एक्सरसाइज करता ही नहीं, क्योंकि वो आदत से मजबूत हो चुका है। वैसे हमको क्रोध करने की आदत है, हम क्रोध करते हैं, सिगरेट पीने की आदत होंगी, आलसीपना की आदत है, चीजें आके ढकेलना उसकी आदत है, ऐसे बहुत सारी आदत है। आप यदि देखते हो तो आपका खुद का जीवन एक ऑटोमेटिक हो चुका है, ऑटो पायलट के ऊपर रोज अपना लाइफ चल रहा है। रोज हम वही 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 कर रहे हैं। हम जो चीज नहीं होना उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं निकलना चाहिए, मैंने सिगरेट नहीं पीना चाहिए, या मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा नहीं, इसके ऊपर जोर है। बार बार जो करते हैं उसकी कंडीशनिंग हो जाती है। पहलाव का सिद्धांत है, उसने कंडीशनिंग का एक एक्सपेरिमेंट कुत्तों के ऊपर किया, जो सबको मालूम ही है पेवलॉस कंडीशनिंग। तो उसने ये बोला कि अपना पूरा बॉडी मैकेनिज्म जो है वो कंडीशनिंग के ऊपर है, सब कंडीशनिंग हो जाता है, कंडीशनड है हमारी बॉडी। गुस्सा करना भी कंडीशनड है, मीठा खाना भी कंडीशन है, सिगरेट पीना भी कंडीशन हो चुका है। तो फिर करे तो क्या करे? हम क्या करते कि अभी मेरा सर नहीं दुखना चाहिए, समझो टेंशन हेड है, तो हम बोलते नहीं सर नहीं दुखना चाहिए, या मैंने गुस्सा नहीं करना चाहिए, ऐसा हम बोलते हैं बार 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 बार। तो हमारा फोकस कहाँ है? हमारा फोकस गुस्से के ऊपर ही है। फिर से गुस्सा नहीं करना चाहिए, सरदर्द नहीं होना चाहिए। तो ब्रेन को वो नहीं नहीं समझता है, ब्रेन को क्या करना वो समझाना पड़ेगा। तो क्या करना है ब्रेन को बताने का है कि वे नहीं, मैंने मेरा मन शांत रखना चाहिए, पीसफुल रखना चाहिए, मेरे मन में शांति होना चाहिए, खुशियां होनी चाहिए, मेरा सर बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का लग रहा है, बहुत ही बढ़िया मुझे सर, मेरा सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही हल्का हल्का लग रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस सिर में हो रहा है। मतलब जो अच्छा है वो पकड़ने का है, जो अच्छा है सकारात्मक है वो पकड़ने का है, उसका कंडीशनिंग हमको तैयार करने का है। और वो कंडीशनिंग हम तैयार करते हैं तो नया कुछ पकड़ेंगे तो नया तैयार हो जाएगा, पुराना अपने आप नष्ट हो जाएगा। देखिए अपने ब्रेन को वो दरवाजा जोर से मत लगा, दरवाजा जोर से मत लगा, ये ब्रेन को नहीं समझता, दरवाजा जोर से मत लगा। ब्रेन को क्या समझेगा? दरवाजा आराम से लगा, मतलब पॉजिटिव। यदि आप दरवाजा जोर से मत लगा तो फिर उसके ऊपर ही आपका ज्यादा ख्याल जाएगा, ब्रेन को वो भाषा समझती नहीं है। जोर से मत लगा मतलब करना क्या, तो करना क्या है वो ब्रेन को बताना पड़ता है। तो सिगरेट मत पी तो फिर करना क्या, तो वो बताना पड़ेगा क्या करना है। तो वो जो करना है वो बताएंगे तो वो बड़ा हो जाएगा जो करना है वो, जो नहीं करना है वो छोटा हो जाएगा। तो इससे फिर हमारी तरक्की होंगी, उन्नति होंगी, मन कंट्रोल में रहेगा, मन को शांति होंगी और अच्छी अच्छी आदतें हम अपने आप को डाल सकेंगे। हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डॉक्टर केळकर नाम का। उसके ऊपर आप सवाल जवाब कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वीडियोज आपको मिलेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।